हाँ चल बता जल्दी, काट दिया छोड़ो, जलाओ कि कैसे जलाओ। हाँ आग लगाओ उसके दोनों हाथों में, आग लगाओ तेजी से। कौन लोग थे वो? बच्ची के माँ के रिश्तेदार थे, बाप के थे? कौन लोग थे? किन्हों ला के डाले थे? हाँ देखा ना कैसी मार पड़ती मेरे पास, हाँ कैसे सारे शक्तियां खत्म कर देते हैं। यहाँ देखा ना, उतारे की ताकत भी देख लिया ना, कैसा जलाते सब शक्तियों को। तो जबान से बोल सबको सुने आना, देखा कि नहीं देखा? हाँ देखा कि नहीं देखा? हाँ देखा नहीं देखा? बता सब लोगों को, दुनिया वाले सुन रहे, तो क्या क्या शक्तियां खत्म करे उतारे के अंदर, क्या क्या तकलीफ दे रहे थे देखो, बता जल्दी। जब मेरे पास अमल चालू हुआ तो क्या क्या तुझे मार मार के तेरे शक्ति खत्म करे बता सबको। तू तो इसको ले जाने वाला था अम्मा पूनम में, खींच के ले जान दिए क्या तुझे? ले जान दिए, लेके जान दिए क्या? जोर से बोल। हाँ ले जान दिए, जबान से बोल। कई बार तूने डाव मारा उसकी जान ले जाने के वास्ते, फिर ले जान दिए तुझे अम्मा पूनम में? चिरागों में देखा ना मेरी फौज आके कैसा मारती, तो बहुत मार मार के तेरी शक्ति खत्म कर दी उन्होंने। तेरे साथियों को भी सबको मार रहे थे, पकड़ के मार रहे थे क्या? नहीं हाँ और क्या क्या कर रहे थे बता, तुझे कैसा मारते थे? चिरागों के अंदर मारते थे क्या, बाहर ले जाके मारते थे जलाते वक्त? और उतारे में तेरी सारी शक्तियां खत्म कर रहे थे। जान ली जाने वाला था अम्मा से, मैं पुन्नामों में ट्राई मार रहा था, तू तुझे लेके जाने तो नहीं दी मेरी फौज ने, ली जान दी क्या? बता क्या क्या संघर्ष चला, क्या क्या झगड़े चल रहे थे सब बता पूरी दास्तान। हाँ तू ये बच्ची की आंख पे कितने साल से है? तू मरियाली औरत है, आदमी है? कौन है? जिन्नात है, शैतान है? जिन्नातों की नस्ल में से क्या मरे वाली इंसान की? कौन है? अच्छा मरे वाले, कब मरा था, कितना टाइम हो रहा मर के? हाँ कितने साल हो गए? हाँ कितने कितने साल? हाँ जोर से बोल। अच्छा चल एक बात बताए, बच्ची पे जादू कब करे थे? हाँ हाँ जल्दी जलाल ने आना, मुझे नहीं तो पूरा जला दूंगा। हाँ बच्ची पे जादू कब करे थे? हाँ नहीं मालूम, कैसा आया तू, कहाँ से आया तू? शमशान से आया तू, कब्रस्तान से आया तू? जल्दी बोल कहाँ से? आ कहाँ से? अच्छा कौन से गांव का कब्रस्तान था वो, कौन से शहर का, कौन सा? चलाओ 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 कुत्ते से। काट के खत्म कर दूं? नहीं मेरे सवाल के जवाब दे, हाँ सही सही जवाब दे, चल जल्दी। हाँ ये बच्ची क्या नाम है इसका, मतीन फातिमा का जादू चलाते वक्त क्या लेकर गए थे, क्या लेकर गए थे? हाँ बोलने तो मैं तुझे चीर दूंगा अभी 2 मिनट में 2 टुकड़ों में।
हाँ मतीन फातिमा का क्या लिख गए थे जादू चलाते वक्त? हाँ नहीं मालूम, चलाओ उसको तेज से, याद दिलाओ उसको जला जला के। बोल रहा हाँ बोल जल्दी बोल। हाँ क्या लिख गए थे? टाइम नहीं है मेरे पास, जला दूंगा मैं जल्दी। देखा ना उतारे के अंदर तेरी सारी शक्तियां खत्म करा मैंने तो। हाँ हाँ बोल फिर जल्दी बोल। हाँ जल्दी जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास, तो पूरा काट दूंगा मैं तुझे। क्या क्या लेकर गए थे बच्ची का? क्या लेके गए थे? कपड़ा चप्पल मट्टी क्या लिए थे? बाल वाल क्या लिए थे जादू चलाते वक्त? हाँ जोर से क्या लिए थे? कौन लिए थे? जादू किधर से करे? ये बच्ची के ससुराल की तरफ के लोग थे या मायके की तरफ के लोग थे? किधर के? जोर से बोल, टाइम नहीं मेरे पास, मैं पूरा काट के भस्म कर दूंगा अभी जस्ट। हाँ जल्दी बोल, पूरा काटने की तैयारी करूंगा। काटो उसको, काटो उसको, नाला को। काटू काटू काटो 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 उसको, नाला काटो और तेज से कर दूं, चीर दूं पूरा। हाँ फिर जल्दी बता, नाम बता, चल जल्दी बता। हाँ बता जल्दी बता, जल्दी बता मुझे नाम। हाँ कौन कौन कौन, जोर से बोल। चलो अभी काट दिया उसके हाथ, आपस में नीचे काट दूं। काटूं तेरी यहाँ तक खत्म करो, पूरे काट देता हूँ, पूरा वसम कर देता हूँ तेरे हाथ। चपड़ा उसके हाथ उतने ही साथ में काट उसके हाथ। चलो काट के जलाओ उसके हाथ को। काट लो पूरा। देखा ना कैसे कट रहा, किसी आग लगी तो। हाँ फिर जल्दी बोल, जल्दी बोल कौन था वो, फिर बोलने तो पूरा वसन कर दूंगा। जल्दी बता, जल्दी बता कौन हो। हाँ कौन है वो, कौन है वो, औरत है आदमी है? हाँ खैर अब मरा तो अब देखो नहीं करता, खैर और होगा तेरा माँ बनने दे, मेरा भी उसका बता। चलो इसके हाथ काटने की तैयारी करो तेज के साथ में, मुझे इसके दोनों हाथ काट क्यों नहीं, अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो अब भी काट दूंगा मैं इसके। क्या समझा था उन्हें मैं उसको, इससे पहले सवाल नहीं पूछा तो उन्हें ये समझ रहा था मुझे कि मैं नहीं पूछना चाह रहा उससे? क्या उन्हें अपने आप को बहुत भारी समझ रहा था जो हाजिर नहीं हो रहा, ऐसा समझ रहा था क्या? क्योंकि मैंने दो बार से पूछा ही नहीं था तुझे, कम वक्त अब पकड़ा मैंने तुझे, तू आ भी गया था इससे पहले भी तो मैंने तेरे से सवाल नहीं करा था, मौका दिया था तुझे सब याद करके आने का, अब तुझे जाने नहीं देता मैं जब तक तू सवाल का जवाब देगा नहीं, जब तक जा नहीं सकता नहीं तो काट के अभी टुकड़ा कर दूंगा तेरे, लगाऊं वो पत्थर, काटूं पत्थर से, काट दूं अभी तुझे। हाँ काटूं चीरू क्या पत्थर लगा, जलाओ 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 चीरो तेज के साथ में। जल्दी बता, नाम बोल। एक कैमरा तुम्हारे बाप, हाँ चल रहे बोल नाम। हाँ कौन, चलो जलाओ
कमबख्त नारा कुत्ता चलो। क्या समझ रहा हूँ मैं मुझे, जल्दी बता नाम। किसने जादू किया, किसने जादू किया बच्ची पे, किसने जादू किया, जलाओ उस कुत्ते के साथ में। हाँ किसने जादू किया, हाँ किसने, कौन कौन कौन, उसके माँ के खानदान के, बाप के खानदान के, कौन लाए थे, कौन कौन लाया वो, छोड़ते नहीं हम तुझे, नहीं छोड़ते। फिर कैसा आया, फिर तू कैसा आया, खुद ब खुद तो नहीं आता, फिर तू कैसा आ गया उसके आंग में, क्या तकलीफ दे रहा था तू बच्ची को, क्या तकलीफ दे रहा था, बोल जल्दी, क्या चक्कर, हाँ और मछली पेट में दर्द आता था, और हाँ तो तुझे कौन बोला था तू चक्कर लाओ, मछली लाओ, हाथा पैरों में दर्द करो, उल्टिया करो, कौन बोला था ये, कौन था वो, हु इज मैन, हु इज प्रेजेंस, कौन है वो, जल्दी बोल, मैं तभी तुझे जला दूंगा पूरा, हाँ लाओ कुत्ते के साथ में, कौन है, कौन, कौन है वो, कौन है वो, औरती आदमी था, हाँ बोल दे, बोल दे तो, बोल बोल, जलाओ पानी की स्प्रे की बॉटल, और पानी की बॉटल स्प्रे कर दो, जलाओ कुत्ते जैसे आप उसके अंदर और आग लगेंगे। हाँ चल बता कौन थे वो, हाँ कौन है, हाँ कौन दे रहा था उसको तकलीफ वो, हाँ कौन बोला था ऐसा करो बोल के, कितने साल से तू उसके आंग पे, कितने साल से, कितने साल से, 8 साल से, अच्छा 8 साल से, अच्छा उसकी शादी के पहले से, शादी के बाद से, शादी के बाद से, शादी के बाद से, अच्छा दोनों मियाँ बीबी में झगड़े भी लगा रहा था तू, लड़ाइयां लगा रहा था, हाँ लगा रहा था मियाँ बीबी में, उसके मियाँ के काम बंद कर दिया था, हायरो बरकत नहीं अंदर था, उसके मियाँ पे भी करे आला जादू, हाँ बच्चों के, बच्चे है क्या, बच्चों पे भी करे क्या, झगड़ो उसको तेज के साथ में, नाला उसको, हाँ चल बता जल्दी बता, जलाओ 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 जलाओ, तेज के साथ में जलाओ उसको, चल बता जल्दी नाम, नाम बता दो तुझे, छोड़ते नहीं तो तुझे एक बार भी नहीं छोड़ते, अब बहुत जलाएंगे तुझे, तेरी हाथ आवा सब काट के सेक दूंगा मैं, अगर जल्दी नाम में बता दो, إن هذه تذكرة إن
कौन थी वो? इसके माँ की तरफ की थी, इसके बाप की तरफ की थी, औरत थी, आदमी था, कौन रिश्तेदार था वो? हाँ, और ये बच्ची से क्या दुश्मनी थी उसकी? मतीन फातिमा से क्या दुश्मनी थी? जोर से बोल, बावाज बुलंद बोल, सबको सुने आना। जलाऊं तुझे और तेजी से? हाँ, सुने नहीं आ रहा मुझे, जोर से बोल, जलाऊं? हाँ, फिर नाम बता जल्दी, क्या मरने से खिला रहे कुछ और? हाँ बता जल्दी, नाम बता। हाँ। बता रहा क्या नाम? हाँ बता जल्दी। शादी के पहले से? शादी के बाद से? शादी के बाद में? हाँ, जोर से बोल, शादी के बाद से। अच्छा, उसके ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से? तू कहाँ से? ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से? जोर से जल्दी बोल, बोल, हाँ बोल जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पास। कौन है? शनाख्त बता सबके यहाँ, चल बता, जो पूछा वो बोल, जो पूछा उसका जवाब दे। तेरा नहीं दे रहा सवाल जवाब। उसके हाथों को तेजी के साथ जकड़ लो और जकड़ के आग लगाओ अंदर से। हाँ बोल, सवाल का जवाब दे रहा कि नहीं? बता मुझे, इसके माँ के तरफ के थे क्या बाप के तरफ के थे? हाँ, माँ के क्या बाप के? माँ के क्या बाप के? हाँ, माँ के क्या बाप के? माँ के। जोर से, माँ के। औरत थी, आदमी था? औरत थी, आदमी था? औरत थी क्या? आदमी था? हाँ, औरत। क्या? औरत। हाँ, औरत। जिंदा है, मर गई? अभी जिंदा है क्या? मर गई उन्हें? हाँ, जिंदा खड़े रह गए आदमी। मर गई क्या? मर गई क्या? जिंदा है? हाँ, नाम क्या था उसका? नाम बोल दे, छोड़ देंगे तुझे। हाँ बोल, नाम बोल, छोड़ दे। नाम बोलना तो बोलना पड़ता तुझे, कौन होती उसकी रिश्ते में माँ की? वो रिश्ता बता जल्दी, उसकी माँ का कौन है वो? छोड़ दे, माँ का रिश्ता बता जल्दी, बता।
कौन होती वो उसकी माँ की? कौन है? नहीं नहीं छोड़ते तो नहीं, देखो नहीं छोड़ते, एक बार भी छोड़ दे, बताना तो पड़ेगा तेरे बाप को भी, पानी पिलाओ उसको। बोल रहे लगाओ उसके पेट में से भी आग लगाओ तेजी के साथ में, निकल भाग निकल। हाँ चल बोल, उसकी माँ की कौन है वो? कौन है उसकी माँ की? देवरानी, जिठानी, भावज कौन है? बहन पीन कौन है? भाई की औरत कौन है? हाँ कौन है, कौन है वो? बोल दे, बोल दे, तुझे छोड़ देंगे माँ, बता दे जल्दी, बता नहीं पूरा चला दूंगा। कौन है उसकी माँ की? चलाओ उसके तेज से हाथों में आग लगाओ। कौन है, कौन है, कौन है वो औरत, कौन है वो? हाँ कौन है, कौन है, क्या नाम है? हाँ बोल बोल, हाँ बोल, कौन है, कौन है? छोड़ते हम देखो, नाम बोल, हाँ बोल नाम बोल, वो औरत का नाम बोल जल्दी, याद आ गा, बता जल्दी बता, कौन है वो औरत? उनकी अम्मा की तरफ की रिश्तेदार है, बोल रहा ना वो जादू जिसने करी तो शादी के बाद से। कौन है उसकी अम्मा? वो झगड़ा कर रहे, देखा लोगों को लड़ाया, क्या नहीं करते हैं झगड़ा उसको तेज के साथ में, और झूठे बातें बोल रहा हूँ सब। अरे झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा, सब गलत है। अरे इससे पहले हाजिर हुआ? हाजिर नहीं हुआ, झूठ कैसे बोल रहा हूँ? अरे कौन है वो? बड़ी भी झूठ बोल रहा बोल रहे तू, उसकी माँ झूठ बोल रहा बोल रही हूँ, बच्ची की माँ। अरे नहीं, तो झूठ बोल रहा तू, नहीं बोल रहा। कौन है, नाम तो बोलना उसका। इसमें बात मत करो तुम, एक भी टटर टटर करने की आदत होगी क्या? बोल, हाँ बोल रहा है, कम्मा खा चल दे। क्या पूछा माई जवाब? वो तो उसके तो अम्मा तो बोल रहा झूठ बोल रहा तू, सही बोल रहा झूठ बोल रहा। हाँ अच्छा कौन थी फिर वो औरत, कौन है वो? जादूगर कौन सा था, मुसलमान का था, हिंदू का था? हाँ जकड़ो उसको तेज के साथ में, जकड़ लो। चलो हाँ बताओ औरत का नाम बता जल्दी। चलो उसके हाथ से लाओ, उसके हाथ और जकड़ लो तेजी के साथ में। उन्हें जब तक नाम नहीं बोलेगा, जब तक उसके हाथों में आग लगा के रखो, जब उन्हें नाम बयान करेगा तो उसको आजाद करना, जब तक उसको छोड़ना नहीं। मार दे रहा और मारो उसको। बोल इसी घर से और कितने लोगों को मारा तूने? अरे एक कुछ मारने वाला था इसको, इसके बाद किसको मारने वाला था? इसके बाद चोर को मारा था। एक्सीडेंट कराएंगे पैर। इसके एक्सीडेंट कौन करे उसकी मर्द का? तूने करा, तेरे साथी उन्हें, सही बोल। लो उसको चकड़ो, उसको सब काट देंगे उसको। हाँ चल बता जल्दी। हाँ क्या मरा, नजदीक ला रहे, बोल रहा हूँ यहाँ, बोल रहे। चल बोलने का भी तेरे हाथा काट देंगे हम तेजी के साथ में। चल बयान कर जल्दी। कौन थी वो औरत? मजाक कर रहा क्या, कमीन के बच्चे? कमीन ने डाला था वो अंदर लाके। कौन औरत थी वो? जलाओ इसके हाथों को तेज के साथ, नष्ट करो उसकी सारी शक्तियों को। चलाओ उसको तेज के साथ में। छोड़ दो तुझे एक बार भी, जब तक नाम नहीं बोलेगा तो नाम बता जल्दी। कौन थी? रिश्ते में कौन होती उसकी माँ की? वो कौन होती? नाम बोल, नाम बोल, नाम बोल।
कहाँ रहती वो? अल्लाह अल्लाह कहाँ रहती वो? अल्लाह नहीं शनाख्त बता उसकी। नहीं तेजी से नहीं मारा। जकड़ो उसको तेजी के साथ। अल्लाह चलो उसको बन के डालो, उसको छोड़ना नहीं, उसको मारो कमीने को, और उसको दूसरे चक्कर में मेरे सामने लाओ, उसको दूसरे चक्कर तक चिंता करके मेरे सामने लाओ, उसको सब नाम याद करके आके बयान करना। अब हाँ उसे सुन कमीन के बच्चे, तुझे एक मौका दे रहा हूँ, तुझे एक मौका दे रहे, तुझे कितना दे रहे? एक मौका, एक मौके में उसका नाम याद करके आके बयान करना। सुने आ रहा क्या? दूसरी चक्कर तक मुझे उसका नाम होना, कौन डाला था, कहां से लाके डाला था, सारी दास्तान अगर तू नहीं बोलेगा तो उसके बाद इससे ज्यादा तेरे को मार के भस्म कर दूंगा। समझ गया ना? समझा के नहीं? हाँ, क्या करेगा तू दूसरे चक्कर तक? नाम याद करके आके बताएगा मुझे। चल भाग, उसका नाम याद करके आके बता कौन डाली थी वो, तो जल दे पानी में भाग, अब नाला जा और दूसरी चक्कर तक नाम याद करके आके बयान कर। एक आवाज लगा दे दूसरी चक्कर में आके नाम बयान कर देना, मैं तो काट के पूरा टुकड़ा कर दूंगा तेरे। जा जा चल। ये पकड़ो आदमी, उसको शाम को पानी पिलाओ। कैमरा मार रहे देखो बाजू में बैठे कौन है वो? हाँ, और ये कौन है? वजू भी है सामने आया, उसने बयान करा सारे दास्तान, पक्का है क्या है सारे, तो बातें बताऊ और उसको कसम वादे डाल के नाम नहीं बताना ऐसा बयान ऐसा करे थे, मगर यहाँ उसको क्या उसके बाप को उसके जादूगर के बाप को आके यहाँ को नाम बयान करना पड़ता था। अल्लाह का निजाम है और यहाँ मार के ला के उसको मौकिलों की फौज बरोबर मारती, अल्लाह की उनसे बरोबर हाजिर करते, बरोबर लाते, बरोबर नाम पूछाते, अभी दूसरे को मौका दिए दूसरे चक्कर तक आके नाम नाम बयान करना। और दूसरी बात कि जादू में बहुत किस्म के अलग अलग जादू रखे हैं, जादू जो है तो जादू हम आपको बता दिया जाए कि जादू मतलब जादू में कितने पार्ट बढ़ते कैसे क्या क्या वो फिर मिसाल एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हम बता दिए कि बॉडी एक शरीर एक जिस्म, मगर जिस्म के अंदर कितने पार्ट कितने पुर्जे कितने नशा कितने जाल, जितना उसके बारे में तहकीक के अंदर देंगे उतना वो इल्म समंदर, कैसे पार्ट से अलग अलग नशा थीरी बॉडी हड्डियां ये कुछ, तो जादू टोनों को भी अंदर अलग 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 किस्मों के वार अलग अलग किस्मों के जादू टोने, हर किस्म का जादू टोना आता, जादू टोना ऐसा भी रहता कि तुम्हारे शरीर को भी खराब कर देता, बीमारियां भी लगाने वाला रहता, एक दूसरे में किसी की बीमारी किसी के ऊपर भी ट्रांसफर कर सकते जादू टोने से, जादू टोने से तुम्हारी तरक्की के आड़े आ सकते, जादू टोने में ऐसी बात है ऐसी ताकत है वो बदबू है और बुरी चीजें रहती है उसके अंदर, तो वो क्या करते तुम्हारे तरक्की के आड़े आते हर मामले में, तुम क्या भी काम बनाने के लिए जाएंगे कौन सा भी काम कोई भी तरक्की के लिए तो तुमसे दो कदम आगे चलते तुम्हारा काम बिगाड़ने के लिए, ये जादू टोने की दास्तान है। और जादू टोने से क्या करते कि बच्चों के नौजवान बच्चियों की शादियां नहीं होने देते जादू टोनों से, तुम्हारे नौजवान बच्चों के भी शादियां नहीं होने देते, शादियां हो भी गए तो उनके बच्चे नहीं होने देते, तुम तरक्की कोई करने जा रहे हो कुछ घर बनाए खरीद लिए तो वो घर पे जादू टोना कर देते लोग, वहां सुकून नहीं मिलना, वहां किरकिरियां होना, वहां झगड़े फसाद होना घर में अम्मा सुकून में, फिर कम तुम्हारी दुकान कमाई में बरकत आ रही चारों तरफ से कमाई चल रही अल्लाह नवाज रहा तो लोगों को देखे नहीं जाता तुम्हारी मेहनत लोगों की आंखों में सलती, फिर लोग क्या करते वो रहते कौन वो अपने ज रहते करने वाले खरीबी लोग जाते और जाकर क्या करते हसद और जलन की वजह से ऐसा कर देते तंत्र मंत्र जादू टोना जो भी तुम्हारा कारोबार रिवर्स आना चालू हो जाता रिवर्स ये तंत्र मंत्र के खेल रहते जादू टोने रहते, क्योंकि रूहानियत और रूहानियत के मामले और ये जादू टोने और ये गैबी दुनिया की ताकत ऐसे रहते ये कि सडनली तुम पे हमला नहीं करते धीरे धीरे तुमको बर्बाद कर देते हैं धीरे धीरे, जैसा कि किसी को पॉइजन सिलो पॉइजन दे देगी कसम मार देते तो वैसा सिलो पॉइजन की जैसे ही तरीके से जादू टोना तुम्हारा धीरे धीरे गला के जिंदगी तुम्हारी खुशियां सब बर्बाद करके हलाक कर देता बर्क कर देता, ये है जादू टोना। और जादू टोने से क्या नहीं करते
यहाँ तक कि तुम्हारे जमीनों में अनाज उग रहा तो अनाज को तक खराब कर देते जादूगरों से। बहुत बहुत कुछ है, सिर्फ जादूगर का जादू ही नहीं चलता, वो आसमान पे नहीं चलता। आसमान पे बारिश कराने के लिए जादूगर जादू नहीं चला सकता, बाकी हर मामले में आसमान से बारिश होने का हुक्म अल्लाह देता। और अल्लाह के बुजुर्गान दीन वली अल्लाह कुतुब अब्दाल औलिया ये लोग दुआ करने के बाद फिर अल्लाह बरसाता पानी। वाकई तो ये जमीन पर रोहे जमीन पर क्या नहीं कर रहे जादू टोनों से, कौन से मामले मेरे सामने नहीं आ रहे, क्या दास्तान नहीं मैंने बताया लोगों को। और मैं ऐसा वो नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारे लोगों को कोई कहानी और कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ मैं कि कोई किताब में से पढ़ के तुम आपको बोल दे रहा हूँ भाई ये किस्से को मान लो ये कहा, ऐसा नहीं। मैं तुम्हारा प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ लाइव में। अभी क्या बयान कर रहा हूँ उसमें सामने आके कि बच्ची की शादी के वक्त करे थे 8 साल पहले, उसकी माँ की कोई रिश्तेदार है और कोई औरत है, फीमेल, मेल नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई फीमेल औरत ने करी थी। अब नाम अभी नहीं उसको, आगे तो नाम तो बताना पड़ेगा, उसने क्या उसका बाप को भी आगे नाम बोलना पड़ेगा, उसकी औकात मिसाद क्या है, उसको मार पड़ी, उसको मैंने पहले राउंड में दूसरे राउंड में पहली बार आया उन्होंने दूसरी बार भी आया तो मैंने उससे पूछा नहीं था, उन्हें हाजिर भी हो रहा था मगर मैंने उसको देख के नज़रअंदाज कर दिया था, अभी नहीं वक्त पे लेंगे उसको सामने, क्योंकि मैं सडनली भी किसी का हाजिर नहीं करता हूँ और एक ही मिनट में आते वो नहीं करता हूँ, सबके अलग अलग तरीके रहते, किसी का फर्स्ट राउंड में हाजिर कर देते, किसी का सेकंड में, किसी का थर्ड में, वो सब कुदरत का निज़ाम चलता है। इसको तो दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में तो अभी पकड़े थे उसको, पकड़ के मार के इतनी मार पड़ी उसको अल्लाह के हुक्म से, और वो सब बातें अपने आगे के और भी बयान करेंगे सेकंड राउंड में इंशाल्लाह तआला। सेकंड जब वीडियो है ना उसमें नाम बयान कर दिए कौन डाला था क्या डाला था। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इबादत और इबादत की रस्सी को तुम अगर मजबूती से थाम लेंगे तो तुम्हारे पर कोई जादू टोने के असर, ये जादू टोने के खेल नहीं चलते। मैं खुद नहीं मानता था बातों को बहुत सारे, लेकिन अल्लाह ने जब राज खोलते खोलते खोला, जब पता चलते चलते चला कि ऐसी भी चीजें रहते जहाँ इंसान की सोच खत्म हो जाती वहां से ये दुनिया की कारस्तानियां चालू होते, एक से एक अजीब और गरीब दास्तान है, क्या बयान करना। इससे पहले मेरे पास कुछ आए थे लोग इलाज को, तो उन्होंने बताए उनके ऊपर कुछ शय हाजिर हुई तो उन्होंने बड़े बड़े डिफेंसों के अंदर थे, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्टों को फेल कर दिए शैतानों ने, सामने आके बोल रहे भी मेरे, उनके सारे प्रोजेक्ट जीतते थे वो हमने फेल कर दिए बड़े बड़े कंपनियों के, तो नाम तो नहीं बयान क्या करते, मगर इन शॉर्ट में बता दे तजुर्बे के लिए। तो वो भी वीडियो आए मेरे पास, मगर सबके वीडियो थोड़े वो करते हैं, जैसा कि वो बहुत बड़े पैमाने के लोग रहते उनका नहीं था, तो उसमें ऐसी ऐसी बातें बयान करे वाले वाला होने की हमने इनके सारे प्रोजेक्ट फेल कर दिए, वरने नहीं दिया। इंसान को करता भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ फेल हो जाएगी, मगर ऐसा होता तुमको नहीं समझता, तुम्हारे पीछे से आके चाबी भर के चले जाते हो। इसलिए इबादत तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा कवच है, तुम्हारी महफूज रखने वाली तुम वो चीज है इबादत। इबादत तुम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सब अमल करने की तौफीक दे, सबसे अहम बात ये है। और एक बात ये बताऊंगा लास्ट में कि जादू टोना तो करते एक दूसरे के ऊपर, जादू टोने से तो लोग परेशान रहते, जैसा कोई काम बनने बनाने के लिए जा रहे काम नहीं बनता बिगड़ जाता और तब ही बर्बादी लग के धीरे धीरे खत्म हो जाते, और एक जगह वबा भी रहती है अजाब भी रहता अल्लाह का, तो वो कभी फिर हटता नहीं जब तक अल्लाह को राजी नहीं करता। तो कहीं कहीं एक बात ये भी रहती है बुजुर्गान दीन वली अल्लाह कुतुब अब्दाल औलिया इनके हाथ से अल्लाह निज़ाम चलाता दुनिया का पूरा, क्योंकि अल्लाह को जमीन पर कैसा आएगा, जमीन और गैलेक्सियों के औकात नहीं अल्लाह के नूर को बर्दाश्त करने की, कि अल्लाह के नूर को देखने से पहले ही जल के राख हो जाएंगे सब। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में तो सबको पता ही है। तो वली अल्लाह और बुजुर्गान दीन को कभी बुरा नहीं बोलना, अगर तुम उनको बुरा बोलेंगे तो अकल के अंदर तुम्हारी तकदीर जल जाएंगी ना, अल्लाह ने फरमा दिया ना मेरे औलिया के बारे में, मेरे वली अल्लाह के बारे में, तुम दिल में अगर जरा भी कीना और कपट रखते, जरा भी बुग्ज रखते, अल्लाह फरमा रहा है, इसलिए बता रहा हूँ मैं तुमको कि जादू टोना तुम पे अगर करा लाऊंगा तो आओ मेरे पास, मैं यकीनन हटा दूंगा। अगर तुम बीमार है तो जाओ डॉक्टर के पास, तुम दवा गोली देकर राइट कर देंगे, तुम्हारा दिल निकाल के बदल के दूसरा दिल डालना है तो डाल देंगे, दिमाग निकाल के बदल के दूसरा दिमाग डाल देंगे, मगर तुम पे अगर तुम्हारा रब नाराज हो जाएगा और अल्लाह तुमसे जंग का ऐलान कर देता और तुम्हारे वास्ते अल्लाह जंग के वास्ते मैदान में खड़ा लाए तो बोलो तुम कहाँ जाके फिर वो जंग गुरु कहेंगे, कहाँ जाके तुम क्या राजी करेंगे, कैसा राजी करेंगे अल्लाह। इसलिए बचो, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता कि मेरे वलियों के बारे में खाली दिल में दिल बराबर भी तुम बुग्ज रखते, बुग्ज बोले तो थोड़ी तुम्हारी सोच रखते थे दिमाग के अंदर, वलियों के बारे में बुरा सोचते तुम्हारे चुप ऐसा ही हो तुम कुछ भी, तो अल्लाह फरमाता कि खुले जंग का अल्लाह ऐलान करता तुम्हारे से, खुले जंग का ऐलान कर दिया अल्लाह ने, चलो बोल दिया अल्लाह ने कि आ जाओ मैदान, खुले जंग का ऐलान कर दिया। जब अल्लाह ने जंग का ऐलान कर दिया तो कहाँ जाएंगे, इसलिए मत बोलो तुम ऐसा बुरा बोलेंगे, नहीं जब जाके अल्लाह के सामने बैठे तो बात होगा कैसे तो क्या तो बोलिए अल्लाह को बुरा बोल रहे हैं, फिर अल्लाह तुमसे जंग क्या तैयार होगा ना, फरमा दिया ना जो भी मेरे वलियों के बारे में दिल में बुग्ज रखता है, दिल बराबर या जरा भी
तो अल्लाह उससे खुले जंग का ऐलान कर देता है, खत्म हो गया। तो जंग का ऐलान होगा तुम्हारे साथ में, तुम तो फिर शैतान के सफों में जाके खड़े हो गए। अल्लाह जंग किससे करेंगे? शैतान अल्लाह वालों की फौज शैतानों से जंग करेंगी, शैतानों की फौज अल्लाह वालों से जंग करेंगी। फिर चलेगा तुम उधर के फौज में जाके शामिल होगा शैतान के साथ में, इबलीस के बच्चे बन गए। समझो समझो सुधरो, क्योंकि दुनिया चार दिन की है और जाके आखिरत में तो हर बात भरना और हर बात भुगतना है। और मैं सबसे बड़ी अहम बात बताऊंगा कि जादूगरों के पास मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, उनको कुछ आता नहीं, तुम्हारे जिंदगी बर्बाद कर देते हो, उलट टिलट अलट कुछ भी क्या भी ये किस किस को भी दादू, उनको भी नहीं समझ रहा हूँ क्या से क्या वारा चल जा रहे, कैसे वारा चल रहे, कौन क्या, कोई इतना गारंटी से छोड़ नहीं सकता किसके अंदर शैतान, उनको बेवकूफों को पता नहीं उन्होंने क्या कर दिए। और दूसरी एक बात, तुम जादूगरों के पास जाएंगे और जादू टोने के उस पर चलेंगे तो तुम तो हमने से है ही नहीं, हदीस में फरमा दिए, तुम आपको सनत लिख के दे दिए और सनत पे मोहर मार के भी दे दिए कि तुम जहन्नुम में हो गए, समझ लो फिर तुम्हारे वास्ते जहन्नुम की ईंधन पक्की हो गई, पक्की हो गई जहन्नुम में। और जहन्नुम की आग दुनिया की आग की जैसी नहीं है, समझ लो जहन्नुम की आग ऐसी लाल, हजारों साल तक अल्लाह ने दहकाने का हुक्म दिया जहन्नुम की आग को जलाओ, हजारों साल तक जलाया गया तो आग लाल हुई, फिर हजारों साल तक जलाया गया तो फिर सफेद हुई, फिर हजारों साल तक जलाया गया तो फिर जहन्नुम की आग काली रात की तरह है, अंधेरी रात की तरह। और इतनी खतरनाक आग है कि हदीस में पढ़ लो जहन्नुम के आग का, जहन्नुम की आग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर सुई की जो नौक है उतनी भी आग लाके अगर दुनिया के बीचों बीच टांग देंगे तो उसके तपिश से पूरी दुनिया जल के राख हो जाएगी, समझे? अकल के अंधो बेवकूफ, इतनी खतरनाक आग है जहन्नुम की। तुम बड़े निकले क्या करने निकले, मेरे को बोलने को अल्फाज नहीं मिल रहे, जादू आंटों ने करने निकले एक दूसरे के ऊपर, श्रम करो बेगैर तो जादू आंटों ने करेंगे तो जहन्नुम की आग नहीं और जो सुई के नाके के बराबर लाके दुनिया में टांग देंगे पूरी दुनिया जल जाएगी उसके तपिश से, तुमको तो वहां महल मिलेगा, महल जहन्नुम में पूरा महल बना के दिया जाएगा तुम्हारा, जहन्नुम में भी अल्लाह तुमको डालेगा ना दोजख में, जहन्नुम में तो वहां पर तुम्हारा दोजख के अंदर महल बना के दिया जाएगा अल्लाह रहमान। महल के अंदर कितने हजार, 70,000 दो कितने दरवाजे रहेंगे जहन्नुम में, हाँ जहन्नुम में भी तुम्हारे से दर्द रहेंगे। फिर जहन्नुम के अंदर तुम फिरेंगे ना बेगैरत हो, तुम्हारे संदूक कपड़े सब मिलेंगे मगर सब आग के रहेंगे, सब आग का बने वाला रहेगा, क्योंकि तुमने अपने हाथों से आमाल करके गए ना, तुम आपको बता दिए थे अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ऐसे हरकतें करेंगे तो कहाँ जाके भरेंगे। और वली अल्लाह को बुजुर्गान दीन को जबान पे खत ही नहीं लाना बुरा बोलने का, अगर बुरा बोले तो वही जबान में कैंसर हो जाता, वही दिमाग में कैंसर होता, वो बीमारियां लग जाते कई किस्म के और बहुत बुरा सड़ सड़ के मरते। देखो ना वाकियात पढ़ो, कुतुब रब्बानी अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनको भी कैसी हंसी उड़ाया लोगों ने, कैसा कैसा बोले, बाद में कैसे देखे मौजा साहब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की कैसी हंसी उड़ाए, क्या क्या बोले जादूगर, बाद में कैसे देखे मौजज़ात, कैसी बात है, रहते दुनिया तक उनका नाम रह गया और वो दुनिया और आखिरत दोनों बना के चले गए। तुम अपनी फिक्र करो खबर की, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, क्या बोलूंगा, जितना बोलूंगा उतना कम है, इल्म समंदर है। अल्लाह एक ही बात बताऊंगा सारे बातों का निचोड़ कंक्लूजन, के इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, नमाज तुम्हारा ढाल बन के बचेंगी, इबादत नमाज ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और कोई जादूगरों के पास मत जाओ, कुरान हदीस की रस्सी को मजबूती से थाम दो, समझ गए, चलो रोक दो।